बहुत डर है। नहीं 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 नहीं। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है अपनी बेस्ट करेक्टर स्किल सोलो रैंक पुश के बारे में। तो गाइस, मैं आपको बता दूं करेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन आपको कौन सा लेना है। बहुत ही इजी हीरोइक वगैरह भी जा सकते हैं, हीरोइक ग्रैंड मास्टर भी यार बहुत इजीली कर सकते हैं। और आपके पास अपना परमानेंट स्क्वाड भी नहीं है तभी भी, सबसे पहले लेना आपको सोनिया और दूसरे नंबर पर ले लेना भाई मीसा करेक्टर, जो कि हमको गाड़ी में गोली वगैरह नहीं लगने देता है, ठीक है। और थर्ड नंबर पर लेना अपना के करेक्टर और साथ में ले लेना मैक्सिम भाई, ठीक है। मैक्सिम अपना मेडिकेट वगैरह जल्दी मारता है, ठीक है, मेडिकेट वगैरह जल्दी मार लेता है। और सब अब चलते भाई, इसके साथ एक गेम भी कर लो। और पॉकेट में आपको लेना है बोन फायर, जो कि भाई क्योंकि जोन में रहेंगे ना तो हमारा हेल्थ वगैरह जाएगा, तो इससे रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से मैं इसको भाई अपना कपड़े वगैरह चेंज करके मैच को कर देते स्टार्ट, ठीक है। सोलो में दिखाता हूँ मैं आपको कैसे आप लोग भी हीरोइक जा सकते हो। मैं भी अभी इसी वजह से हीरोइक वगैरह मैंने नहीं किया है, क्योंकि चलो बहुत सारे बंदे मेरे को कमेंट वगैरह करते हैं भाई अभी भी मेरे को हीरोइक जाने में दिक्कत होता है, मेरा रैंक पुश वगैरह करा दो, तो मैं उसके लिए वीडियो लेके आऊँगा भाई। सबसे बढ़िया आप लोग पूरा वीडियो देखोगे, आप लोग समझ जाओगे, ईजी बाई ईजी देखना, ठीक है, स्टेप बाई स्टेप देखना। आप लोग देखोगे भाई आप बहुत ही इजीली, और बंदे भी देखते रहना किधर से किधर बंदे जा रहे, ठीक है। बंदे इधर सेंटोसा भी जा रहे हैं, मैं सोच रहा था पहले सेंटोसा जाऊंगा बट उधर बहुत सारे बंदे चले गए तो मैं उधर नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैं देखता हूँ लास्ट में उतरेंगे, बिल्कुल देखते भाई जितने बंदे कम बचेंगे ना उतना अच्छा है। अभी तो पता नहीं सोलो में रिवाइव का भी सिस्टम है, और आप चाहो तो शुरू में उतर भी सकते हो ज़्यादा बंदे की जगह, बट मैं तो रिकमेंड करूँगा कि मत उतरो भाई, क्योंकि अभी थोड़ा उसका टाइम भी कम वगैरह कर दिया, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। बट देखते हैं भाई, अपने पांच ही बंदे बचे, मैं भी चलो कूद चुका हूँ, मैं देखता हूँ। पहले तो सोचता हूँ मैं रिमनाम जाऊँगा, बट भाई रिमनाम में ऑलरेडी बंदे उधर उतर चुके हैं भाई, रिमनाम साइड में बंदे ऑलरेडी नीचे जा चुके हैं, तो मैं इधर से पीछे हैंगर की साइड में निकल जाता हूँ, ठीक है। हैंगर साइड में मैं लूट वूट करूँगा भाई फटाफट, इधर से उतर के मैं भाई इधर आगे बढ़ जाता हूँ लूट वूट करने के लिए, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत चाहिए लूट। और इजीली आप लोग मेडिकेट वगैरह यार आपको जितना मिलेंगे आप उतना रखो, ठीक है, मेडिकेट जितना मिलेगा ना उतना अच्छा है, क्योंकि सोलो में रैंक मेडिकेट आराम से आप जोन बाई जोन भी पुश करोगे ना तो बहुत ही इजीली आपका 40 से 50 एक गेम में प्लस हो जाएगा, 30-40 तो मिनिमम एक गेम में हो ही जाएगा, ठीक है। और आप लोग टॉप 10 तक जाते हो तो आराम से 20-30 का प्लस हो जाएगा, आराम से किल भी नहीं होता है फिर भी अपना माइनस नहीं लगेगा। तो फटाफट से मैं इधर भाई लूट वूट करता हूँ। 5 मिनट्स लेटर, तो फाइनली मैं लूट वूट करके भाई कंप्लीट हो चुका है, और अपने बंदे भी बचे 23 बंदे बचे अलाइव। तो फटाफट भाई आपको थोड़ा बहुत जोन में रहना है, अभी तक मेरा किल भी नहीं हुआ, आगे भी चलते हैं भाई इधर से, क्योंकि अभी सेकंड जोन ही है। और देखो जोन भी इतना खास ज़्यादा काट नहीं रहा, कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है, आपको के करेक्टर देखो काम आ रहा है, ठीक है। और सामने फाइट चल रहा है तो मैं देखता हूँ भाई, और ऐसे टाइम पर आपको देखना थर्ड पार्टी जिधर चल रहा हो ना तो चुपके से साइड से फाइट लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमको किल वगैरह मिलने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि भाई ऊपर चल रहा है फाइट। पहले तो मैं देखूँगा किधर साइड से चल रहा है भाई, ऊपर में दो बंदे लड़ रहे हैं आपस में, तो मैं उधर उनके पीछे जाके करूँगा भाई थर्ड पार्टी, क्योंकि मेरे को चाहिए किल। और आप लोग टॉप 20 में आके, टॉप 20 के अंदर आके आप लोग फाइट ले सकते हो, ठीक है। वो देखो सामने भाई दोनों बंदे उधर उधर है, एक बंदे को मैं फटाफट से भाई इधर साइड से देखते हैं और एक को नीलते हैं फटाफट से, क्योंकि हमको किल वगैरह भी मिल जाएगा तो बढ़िया ही रहेगा। ओपी इसको हेडशॉट, और ये बंदे का काम तमाम, बंदा खत्म, किल मिल चुका है अपने को ओपी तरीके से। और दूसरा बंदा भाई वहीं पे ही है, उसको मेरा लोकेशन चला गया है, बट मैं इधर ही थोड़ा होल्ड करूँगा, अपना के करेक्टर है कोई दिक्कत नहीं है, बोन फायर भी है और मेडिकेट भी रखा है भाई साथ, कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है। तो थोड़ा सा होल्ड करेंगे भाई, उसको निकलने देंगे, उसने मेरे को देख लिया है, कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है, देख लिया है, बट मैं इधर ही भाई अभी कवर में रहूँगा, उसको रश करने दूंगा, बट मैं रश नहीं करूंगा अभी, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा होल्ड वगैरह करके खेलना, ठीक है, क्योंकि रश वगैरह करने में भाई आजकल ट्रोगन वगैरह बहुत गंदा चलाते हैं लोग, तो ट्रोगन का बड़ा घटता होता है भाई, तो दो चार गोली मारने में बंदा ख़त्म। मैं तो भाई ट्रोगन कभी छूता भी नहीं गलती से, ट्रोगन मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं भाई ये 2-3 करेक्टर ने गेम का रेड मार रखा है, ठीक है भाई। ये बंदे ने कर दिया मेरे ऊपर रश, बट मैं इधर होल्ड करूँगा भाई, ट्रोगन है उसके पास बहुत घटिया, बहुत लॉन्ग में मार रहा है ओपी। एक मेडिकेट मार लेते हैं फटाफट से भाई, पहले तो मेडी मारेंगे क्योंकि उसने अच्छा खासा डैमेज दे दिया अपने को, ट्रोगोन की 3-4 गोली भर दी है। और बॉन फायर देखो अपना फाइट के टाइम पे लगाओगे तो आपका हेल्थ भी बढ़ता रहेगा मस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पास है ट्रोगोन, हमको थोड़ा सा लॉन्ग में फाइट लेना पड़ेगा। ओपी भाई मेरा नेट गया, उसका नेट गया, चलो बंदे अपने ओपी तरीके से फटाफट से मार लेते भाई मेडिकेट, और अपना बोन फायर वगैरह इधर देखो कितना काम आ रहा है, ठीक है।
तो बोनफायर आपको याद से लेना है पॉकेट में, सोलो के अंदर रखे लोगे तो भाई मेडिकेट वगैरह और जितना भी मिले सब उठा के चलना, ठीक है। मेडिकेट वगैरह उठा लोगे तो अच्छा है, और जोन में निकलने के लिए हमको जोन में भी जाना पड़ेगा क्योंकि भाई जोन भी अब काटने लगेगा अच्छा खासा। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास 10 मेडी तो हो चुका है, 10-11 मेडी है, चलते भाई। जॉन भी छोटा है और देखो अपने 2 किल भी हो चुके हैं और बंदे बच्चे हैं 12। अगर अब हम मर भी जाते हैं तो हमारा आराम से प्लस हो ही जाएगा यार, माइनस वाला तो कोई सीन ही नहीं है, ठीक है। अपना आराम से इजीली प्लस हो जाएगा, अगर अभी मैं मर भी जाता हूँ तो कोई दिक्कत वाला सीन नहीं। और मेडिकेट वगैरह उठा लेते हैं साइड से भाई, जितना मिलेगा उठा ही लो, कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है। वो फटाफट पहले तो चलते हैं भाई जॉन में, क्योंकि ट्राई करेंगे बुया लेने का, अगर बुया होता है तो और अच्छा है। लास्ट तक चल के भाई बुया और टॉप 2 हो जाए तो और भी बढ़िया है, बुया या टॉप 2 होगा तो अपने को फुल प्लस मिल जाएगी, 2-4 किल के साथ फुल प्लस अपने को मिल जाएगी। आप टॉप 20 के अंदर आने के बाद फ़ाइट ले सकते हो, ठीक है। टॉप 20 के अंदर आने के बाद फ़ाइट लोगे तो, और एक बार को मर भी जाते हो तो इतना माइनस नहीं लगता है। अगर आप लोगों के पास अपना परमानेंट स्क्वाड नहीं है ना तो आप लोग सोलो में इजीली पुश कर सकते हो भाई, बहुत सारे बंदों। 1 minute later. तो यार, तो गाइज अपने सारे बंदे हो चुके हैं एलिमिनेट, इधर उधर फाइट होके, कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है। और 1v1 की सिचुएशन बची हुई है भाई, एक बंदा है पता नहीं वो किधर है, उसको ढूंढना पड़ेगा मेरे को। वो भाई ऊपर की साइड है भाई, क्या डैमेज दे रहा है भाई, क्या चला रहा भाई, मशीन है, M60 गन है, मशीन गन है, पता नहीं M60 है भाई, बहुत घटिया मार रहा है यार। सामने ग्लू के पास है बंदा भाई, इसका ग्लू वगैरह तोड़ने का ट्राई करते हैं। फूट जा भाई, एक और लॉन्चर का एमओ मारते हैं फटाफट से भाई। ओके डैमेज बड़ा 48 का, चलो साइड से जाते हैं भाई। अरे भाई 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 क्या ही तो डैमेज दे रहा है, मेरा 25 हेल्थ छोड़ा भाई उसने, पक्का M60 चला रहा होगा भाई वो, बैठ के 3 चिप वाली, क्योंकि वो बहुत घटिया चलती है यार। और गन में आपको जो पसंद हो आप वो चला सकते हो, गन वाला कोई दिक्कत ही नहीं है, जो आपका मन करे वो यूज़ कर सकते हो भाई। उसके पास भी लॉन्चर है शायद, वो भी भाई सारे के सारे आजकल ट्रोगन वाले ही है भाई, सारे बंदे यही चलाते हैं भाई, लॉन्चर है उसके पास। मेरा आधा हेल्थ खा गया, बेस्ट भी फाड़ दिया उसने भाई। भाई भाई नेट तो मत कर नूबड़ा, क्या कर रहा है भाई, नेट वगैरह तो मत कर यार, एक मेडिकेट मार लेता भाई, नेट भी फेंकने लगा, बड़े हरामी इंसान है भाई। आधा हेल्थ खा चुका है मेरा, मशीन गन चला रहा है वे, ऊपर से तब सोई है भाई, सारी गोली उसके पैन पर लग रही है वे भाई, मर जा खत्म भाई ट्रोगोन छी। चलो भाई देखते हैं फाइनली कितना प्लस हुआ अपना। चलो भाई मेरा भी लग चुका है हीरोइक, क्या बात है, अपना भी गाइस हीरोइक लग चुका है। और आप लोग भी इजी भाई, मेरा 51 का प्लस हो गया, ठीक है। आप लोग भी देखो मेरे 2 किल थे फिर भी 51 का प्लस हो गया है, और अपन हीरोइक भी पहुंच चुके हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी याद से कर देना।